नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है आरओ एआरओ के लिए अब आपके पास लगभग 110 दिन का समय बचा हुआ है। इसके ऊपर कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सितंबर महीने से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आरओ एआरओ को सेल्फ स्टडी से कैसे आप निकाल सकते हैं प्री एग्जाम को। उसमें मैंने बुक लिस्ट भी बताई थी और मैंने ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से विषय को ऊपर रखा था कि कौन सा विषय आपको पहले पढ़ना है। आज की इस वीडियो में हमने क्या लिया है, आज की इस वीडियो में हम टाइम टेबल एंड स्ट्रेटजी को समझेंगे कि आपको डेली कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और मॉक टेस्ट कब देने हैं। इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे और ये देखेंगे कि आप 100% प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने ये टाइम टेबल एग्जाम तक फॉलो किया तो आपका प्री एग्जाम कोई भी नहीं रोक सकता निकाले बिना। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। टॉपर्स की ये रणनीति है, वो लोग अक्सर ऐसे ही तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आरओ एआरओ 2024 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो एग्जाम है वो कौन सा है, आरओ एआरओ 2024 का हमारा ये एग्जाम होगा, इसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ फैक्ट लिए हैं। पहला आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला जो फैक्ट लिया गया वो यहाँ पर दिया गया है कि बचे हुए 110 दिनों का टाइम टेबल कौन सा रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि अब रोज कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। तीसरा पॉइंट है किन विषयों को पहले पढ़ना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि 85 प्लस 55 यूजिकल टू 140 कैसे आएंगे। इन चारों बिंदुओं को आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। तो आइए एक एक करके चारों बिंदुओं को देखते हैं और वो कौन सी हमारी रणनीति होगी, कौन सा हमारा टाइम टेबल होगा जो हमको 140 अंक दिलवाएगा, किसमें से 200 अंकों में से, हिंदी प्लस जीएस में से। तो आइए सबसे पहले बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। देखिए 110 दिनों के समय को हमने यहाँ पर आने वाले दो समय में बांट रखा है, आने वाले 75 दिन और उसके बाद जो बचे हुए 35 दिन। तो आने वाले 75 दिन में आपको क्या क्या करना है, यानी पूरा सितंबर का महीना और उसके बाद अक्टूबर का महीना, ये दो महीने आपको क्या करना है और उसके बाद नवंबर में आधा महीना। देखिए इन 75 दिनों में रोज कम से कम आपको 9 घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आरओ एआरओ का एग्जाम आपको निकालना है तो कम से कम 9 घंटे की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो 9 घंटे किस तरीके से आपको पढ़ने हैं, इन 9 घंटों को आप तीन भागों में बांटेंगे, तीन फेसेज में बांटेंगे, सुबह, दोपहर और शाम को। सुबह क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में आप जितने भी बजे उठते हैं, अगर आप 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, उठने के बाद लगातार 3 घंटे आपको जीएस पढ़ना है। कितने घंटे, तो लगातार 3 घंटे आपको जीएस पढ़ना है। उसके बाद खाना पीना खाइए, उसके बाद लगातार 3 घंटे फिर से जीएस पढ़ना है। अब जीएस में क्या पढ़ना है, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए जो मॉर्निंग का टाइम दिया गया यहाँ पर जीएस पढ़ने का, इसमें आप एक विषय उठाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप 1 सितंबर आज हो चुका है, आप वीडियो 2 सितंबर को देख रहे हैं, तो 2 सितंबर से आप आने वाले समय तक देखिए आपको क्या करना है, एक तो पॉलिटी को, ठीक है, और यहाँ पर आप रख लें ज्योग्राफी को। ध्यान देंगे इन 3 घंटों में आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठकर रेगुलर पॉलिटी पढ़ना है 3 घंटे। 3 घंटे में आप 2 घंटे पॉलिटी को पढ़ेंगे, किससे, कोई ऑथेंटिक बुक से, चाहे आपके पास परीक्षा वाणी की बुक हो या फिर आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक हो या फिर किसी भी संस्थान के नोट्स हो सकते हैं। 2 घंटे आप पॉलिटी की बुक्स को पढ़ेंगे या नोट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद बचे हुए 1 घंटे में जो आपने बुक में पढ़ा है वही आप घटना चक्र में पढ़ेंगे। जैसे सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ, आपने पॉलिटी में क्या किया, आपने पॉलिटी में इसमें क्या किया, आपने पॉलिटी में नागरिकता को पढ़ा सुबह मॉर्निंग में, और आपने पॉलिटी में क्या पढ़ा, पॉलिटी में आपने डीपीएसपी को पढ़ा। आपने ये 2 टॉपिक पढ़े बुक से और उसके बाद 2 घंटे पढ़ने के बाद 1 घंटे आप इन्हीं 2 टॉपिकों को घटना चक्र पूर्वावलोकन से लगाएंगे। ठीक है, यही काम आपको ज्योग्राफी में करना है कि 2 घंटे आपको ज्योग्राफी बुक से पढ़नी है, चाहे परीक्षा वाणी से पढ़े, चाहे आप महेश वडवाल की बुक से पढ़े। उसके बाद 1 घंटे आपको क्या करना है, 1 घंटे आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन से उन दोनों टॉपिकों के प्रश्न को लगाने हैं। अब आते हैं इवनिंग वाले टाइम में, यहाँ पर आप देख चुके हैं मॉर्निंग का टाइम हमने कंप्लीट किया, क्या पढ़ना है इवनिंग में आपको क्या पढ़ना है। फिर शाम को क्या करना है, शाम को 2 घंटे आपको हिंदी पढ़नी है, कौन कौन सी बुक से पढ़नी है, कल मैं आपको बता चुका हूँ। 1 घंटे डेली आपको करंट अफेयर पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कल बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका पिन मैंने दे रखा है, आप उसको क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अब देखिए एक चीज और याद रखें, मॉर्निंग में आप डेली ये काम करेंगे और इवनिंग में आपको डेली ये काम करना है, और माफ कीजिए नून में और आपको इवनिंग में ये डेली काम करना है। और ये काम कब तक करना है, जब तक आपका यहाँ पर पॉलिटी खत्म नहीं हो जाता और यहाँ पर ज्योग्राफी खत्म नहीं हो जाता। जैसे मान के चलें आपने आगामी 8 दिन में पॉलिटी खत्म कर दिया और यहाँ पर इसको 10 दिन में खत्म कर दिया, तो यहाँ पर जैसे ही 8 दिन में ये पॉलिटी खत्म होता है, इसकी जगह आप दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे साइंस को, यहाँ पर आप ले सकते हैं हिस्ट्री को। फिर इन दोनों टॉपिकों को या दोनों विषयों को डेली आपको ऐसे ही रेगुलर पढ़ना है। हिंदी को रेगुलर पढ़ना है, डेली आप एक एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, 2 घंटे में आप आराम से एक टॉपिक कवर कर सकते हैं। आप आज विलोम शब्द पढ़ सकते हैं, कल आप पर्यायवाची, अगले दिन आप अनेक शब्दों के एक शब्द, अगले दिन तत्सम तद्भव, यानी हर 6 दिन में आप रिवीजन करते रहेंगे। और करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, कल बुक लिस्ट आप उसी को फॉलो करते रहें। ये काम आपको रेगुलर करना है। इसके साथ आपको एक काम और करना है, वो काम क्या है, आपको सप्ताह में कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, 2 हिंदी के मॉक टेस्ट और 2 आपको GS के मॉक टेस्ट कम से कम लगाने हैं। आपको इतना काम आगामी 75 दिन करना होगा, वो भी रेगुलर 9 घंटे पढ़ने के साथ साथ। अगर आप इतना करते हैं आगामी 75 दिन में आप प्री क्वालिफाई करने के लायक हो जाएंगे। अगर इतने से भी नहीं निकल पाता है तो आगे आपको और क्या करना है, देखिए अब आपके पास जो समय बचता है वो बचता है 35 दिन का, क्योंकि आपने 110 दिन में से 75 दिन की रणनीति आपने अचीव कर ली। अब आपके पास अंतिम 35 दिन बचते हैं। अंतिम 35 दिन में आपको क्या करना है, इन बचे हुए 35 दिनों में दोस्तों आपको पढ़ाई का जो समय है वो 8 से 9 घंटे की जगह आपको 12 से 14 घंटे करना है। यानी अभी तक आप पिछले 75 दिन में आपने 9 घंटे पढ़ाई करी, अब आपको अंतिम जो 35 दिन बचेंगे यहाँ पर आपको समय आपका बढ़ाना होगा और 12 से 14 घंटे करना होगा। समय कैसे यूज करना है, वही 3 स्टेप यहाँ पर भी आपको फॉलो करने हैं, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह 3 घंटे GS देंगे, जैसे पहले मैंने बताया था सेम उसी प्रकार GS यहाँ पढ़ना है, दोपहर में भी सेम उसी प्रकार पढ़ना है, हिंदी भी सेम उसी प्रकार पढ़नी है और करेंट भी यहाँ पर सेम उसी प्रकार पढ़ना है। तो ये तो समय आपका वही रहेगा। अब यहाँ पर आपको समय मैंने बढ़ा दिया, ये तो समय केवल 9 घंटे हो रहा है, तो बचे हुए 3 से 4 घंटे में आपको क्या करना है, बचे हुए 35 दिन में डेली आपको 1 GS का टेस्ट देना है और 1 डेली आपको हिंदी का मॉक टेस्ट लगाना है। और उन दोनों टेस्टों का आपको एनालिसिस करना है कि कहां पर गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को इन 3-3 घंटे के अध्ययन के माध्यम से आपको सुधारना है। ये आपको आगामी 35 दिन में करना होगा। अगर आप ये 35 दिन की रणनीति और ये 75 दिन की रणनीति अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं पुनः आपको एक बार फिर आश्वासन देता हूं कि आप 85 और 55 आराम से प्राप्त कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका प्री एग्जाम कोई नहीं रोक सकता, साथ में जो मेंस एग्जाम में भी जो यही प्रश्न पूछा जाता है, GS वाला और हिंदी वाला, ऑब्जेक्टिव वाला, इन दोनों को भी आप मजबूत कर सकते हैं और अपने प्रीलिम्स एग्जाम के साथ आप मेंस की तैयारी भी अपने यहां से प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये रणनीति थी आपकी आगामी 110 दिन की। टाइम टेबल में आपको बता चुका हूं कौन कितने बजे सो के उठता है, वो डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितने भी बजे सोकर उठते हैं आपको मॉर्निंग में 3 घंटे कम से कम पढ़ना है, आफ्टरनून में 3 घंटे पढ़ना है और इवनिंग में भी 3 घंटे पढ़ना है। ये 3 स्लॉट में आप अपने 9 घंटे को बांट सकते हैं। कितने स्लॉट में, 3 स्लॉट में बांट सकते हैं। इसी प्रकार आपको 35 दिन में भी आपको 3 स्लॉट में पढ़ाई करनी है, मॉर्निंग में 3 घंटे, नून में 3 घंटे, इवनिंग में 3 घंटे। उसके बाद इन 3 घंटे के बाद आपको 3 घंटे का समय और एक्स्ट्रा देना होगा, वो भी 2 घंटे GS के लिए, 1 घंटे हिंदी को टेस्ट लगाने के लिए और प्लस 1 घंटे में इन दोनों पेपरों को एनालिसिस करने के लिए। तो ये तो थी दोस्तों रणनीति आगामी 110 दिन की। इसी प्रकार RO/RO से संबंधित आगामी वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली जो वीडियो आएगी वो आपको बताई जाएगी PYQ की बुक कैसे तैयार करनी है और किस तरीके से उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।